नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन ये इन्वेस्टर को काफ़ी सताया है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर इसमें जो इन्वेस्ट किए हैं काफ़ी पैनिक में है। ये शेयर है ITC। ये ITC शेयर मूव ही नहीं कर रहा है बहुत दिनों से, काफ़ी लंबे समय से। मैं भी इसको ट्रैक करा, मैं भी कई बार इन्वेस्ट किया था, फिर मैंने सेल कर दिया, एक दो बार मैंने लॉस भी इसमें बुक किया। तो चलिए ITC के बारे में इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो ITC का शेयर कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल से जिसको क्रॉस करने के बाद आपको इसमें एक तेज मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो देखिए ITC जो है काफ़ी स्लो चलने वाला स्टॉक है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है और काफ़ी अच्छा ये बोनस शेयर देता है। अगर हम ITC की बात करें तो ITC में वो समय अब आ रहा है जहां ITC में आपको एक तेज मोमेंटम देखने मिल सकता है, मतलब ITC यहां से एक बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है। तो देखिए इस स्टॉक में अगर हम बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये है इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 200 पर। देख सकते हैं ये वीकली चार्ट हमने लगाया है, डेली चार्ट पे तो इसमें कोई मूवमेंटम ही नहीं, तो डेली चार्ट पे डिस्कस करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वीकली चार्ट को आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 200 पर देख सकते हैं, यहाँ के दिसंबर 2021 से ही ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है और सपोर्ट ले रहा है 200 के प्राइस पर। और ऊपर जो इसका रेसिस्टेंस है, यहाँ पर इस रेसिस्टेंस को क्रॉस किया था, ये 225 रुपीज़ को क्रॉस करके ये गया था, लेकिन ये जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 230 या फिर 240, यहाँ से रिजेक्ट होगा, यहाँ से मतलब रेसिस्टेंस लिया फिर 200 के प्राइस पे। तो अभी ये 240 और 200 इसी बीच ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये 240 को क्रॉस कर जाता है तो फिर एक इम्पॉर्टेंट इसका रेसिस्टेंस है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाएगा 260 ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन कर जाता है, वहाँ पर ट्रेड करता है, मान लेते हैं एक महीने दो महीने, तो 260 ऊपर जैसे एक से दो मंथ ये ट्रेड करना शुरू कर दिया तो समझ जाइए ये स्टॉक बुलिश हो गया। जब तक ये 260 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक आप इस स्टॉक में बुलिश नहीं हो सकते। तब तक आपको जब भी गिरावट मिले तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये स्टॉक अगर 200 के नीचे आता है तो फिर 160 इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। तो फिलहाल ये 200 और 240 के बीच ये ट्रेड कर रहा है, 240 को क्रॉस करता है 260 टारगेट होगा, 260 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर आप इस स्टॉक में बुलिश हो सकते हैं, जो कि आपको मतलब एक शॉर्ट टर्म के वन ईयर तक में अच्छा खासा यहाँ से टारगेट आपको दे सकता है। लेकिन इसमें जो प्रमोटर्स का बिहेवियर है, ऐसे आप प्रमोटर्स देखेंगे प्रमोटर्स का स्टेक है नहीं, लेकिन प्रमोटर्स का स्टेक है अगर आप पब्लिक वाले सेक्टर में पब्लिक से होल्डिंग पैटर्न में जाकर देखते हैं तो वहां पर प्रमोटर्स का स्टेक है इसमें। तो जो धीरे धीरे है यहां पर इस स्टॉक को ग्रैब किया जा रहा है, जो बड़े बड़े स्मार्ट मनी है, तो इस स्टॉक में आपको जल्द ही एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। जैसे आपने SBI में देखा होगा, SBI 200 लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा था, जब क्रॉस किया 200 से तो एक बार फिर से वो 200 को क्रॉस करने बाद SBI नीचे आया था, लेकिन दूसरी बार जब क्रॉस किया जो इम्पॉर्टेंट उसका रेसिस्टेंस था तो वो 400 तक देखने मिला। उसी तरह ITC अगर आपको यहाँ से 260 के ऊपर जाता है तो इसमें 400 तक का लेवल आपको आसानी से देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, कंपनी का बिजनेस भी काफी सॉलिड है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट लेवल आपने देख लिया, इम्पॉर्टेंट इसका जो रेसिस्टेंस है वो 200 है। अगर आप यहां से मतलब मिलाएंगे ट्रेंड लाइन को तो ये ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लिया है, तो यहां पर ट्रेंड लाइन पे भी जब सपोर्ट लिया, इसका सपोर्ट तो 200 है, ट्रेंड लाइन पे देखिएगा यहां पर ट्रेंड लाइन जो है उससे काफ़ी ऊपर चल रहा है, तो ये स्टॉक यहाँ से बुलिश कर हो सकता है, लेकिन जब तक 260 को क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक हम इसमें एक बड़ा जो तेजी है, एक बड़ी जो चाल आएगी स्टॉक में वो देखने आपको नहीं मिलेगा जब तक ये 260 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आज काफ़ी तेज इसमें तेजी देखने मिला, जैसे तेजी आता है तो इसके शेयर होल्डर को थोड़ा सा जान में जान आता है कि चलो अब ITC मूव करेगा, लेकिन ये बार बार जो है 200 लेवल पे आ जाता है, बार बार 200 लेवल को टच करता है, 240 जाने के बाद फिर से 200 पा गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगा कब इसमें मतलब शॉर्ट टर्म के लिए या कहें लॉन्ग टर्म के लिए एक ज़बरदस्त मोमेंटम जो देखने मिलेगा 260 के ऊपर। तो जब तक 260 है तो जब भी गिरे तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये अगर हम बात करें ITC के फंडामेंटल्स का, जैसे मैंने कहा इसका 2,61,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड है 32 है,
रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 24 है, तो सब कुछ अच्छा खासा एक ब्लू चिप कंपनी में आपको इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड मिल रहा है। वहीं डिविडेंड यील्ड देखिएगा तो 4.78% है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी गजब का डिविडेंड यील्ड है। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग देखिएगा तो आपको कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे हम जाएंगे इन्वेस्टर सेक्शन में वहाँ पर पब्लिक में देखेंगे तो प्रमोटर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में। वही प्रॉफिट में ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, जो पैंडेमिक है उसके कारण कंपनी का जो होटल का बिजनेस है पूरी तरह से बंद है, सिगरेट का जो बिजनेस है वो भी प्रभावित हुआ है, तो कंपनी कई सारे बिजनेस प्रभावित हुए, तो प्रॉफिट में यहाँ पर आपको डिक्लाइन थोड़ा देखने मिलेगा ही। नेट प्रॉफिट की बात करें 13,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का एनुअल प्रॉफिट, और रिजर्व कंपनी के पास 57,000 करोड़ का है, तो यही रिजर्व जब कंपनी यूज करती है तो आपको बोनस शेयर इश्यू करती है। डेट कंपनी के ऊपर है 291 करोड़ का, और कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है 24,000 करोड़ का, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कंपनी को वहाँ से भी रिटर्न प्राप्त होते हैं। तो देखिए हम पहले डायरेक्ट इन्वेस्टर सेक्शन में आए हैं, यहाँ पर पब्लिक में जाएंगे तो यहाँ देखिए टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड 24% इसमें देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स है उसका स्टेक है, तो यहाँ प्रमोटर्स स्टेक में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पब्लिक शेयर होल्डिंग में इंक्रीज देखने मिला है। देखिए यहाँ पहले जो है सितंबर 2020 में मात्र 43% था, अभी यहाँ 44% मतलब 45 के आसपास जा चुका है, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग परसेंटेज जो लगातार इस कंपनी में इंक्रीज हुआ है। वही बात करते हैं बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट देखिए रिजर्व कंपनी का काफ़ी शानदार है, कंपनी के रिजर्व में कोई दिक्कत नहीं, एक ब्लू चिप कंपनी है, तो वेल नोन ब्रांड है आईटीसी, और आईटीसी के ब्रांड के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है और सर्विस प्रोवाइड भी करती है, तो दोनों बिजनेस है कंपनी का जो कि काफ़ी बेहतरीन है, तो रिजर्व कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो देखिए सेल्स तो पहले कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा एक ट्रेलिंग 12 मंथ जो पिछले 12 महीने उसमें कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें देखिए 2009 मात्र 3,000 करोड़ का प्रॉफिट था इस कंपनी का, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर 4 times हो चुका है, 13,000 करोड़ से ऊपर का है, तो प्रॉफिट लगातार जंप हुआ है कंपनी का, एक ब्लू चिप कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये तो प्रॉफिट जो देखिए पिछले 10 साल में 4 गुना हो चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड है, कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कैश फ्लो देखिएगा, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो कैश फ्लो पॉजिटिव रहना बहुत ही बहुत नेसेसरी होता है, कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हो तो मतलब कंपनी आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो इस तरह से कंपनी का जो फंडामेंटल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो ऐसे कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे अमाउंट आप किसी भी छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लू चिप कंपनी में हम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी गिरावट मिलता है, और वहाँ से अच्छा खासा आपको जितना एफडी पे ब्याज मिलता है उतना तो आपको ये डिविडेंड के रूप में ये कंपनी आपको डिविडेंड देती है। देखिए जितना एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा उतना डिविडेंड के रूप में ये कंपनी पे करती है, तो गिरावट में निश्चित पाए करें, आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सब स्टॉक्स में। वहीं बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो यहाँ पर देखिए कंपनी के बिजनेस में जाकर के आप कंपनी के बहुत सारे बिजनेस देखिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पैकेजिंग और जिसके ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसके बारे में देख सकते हैं, आईटीसी इंफोटेक मेजर सब्सिडीज कौन कौन सी है कंपनी को वो देख सकते हैं। तो कंपनी के बारे में जो सबसे बेस्ट वे होता है उसकी वेबसाइट होता है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का, तो कंपनी के बारे में जितना आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं यहाँ कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें मुख्य बिजनेस है कंपनी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, कंपनी जो है सर्विस सेक्टर में है, तो सारे सेक्टर्स में कंपनी अपना मतलब सर्विस दे रही है, कंपनी के प्रोडक्ट सारे सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में आपने देखा कि जो आईटी कंपनी भी इस कंपनी की है, होटल इंडस्ट्री भी है कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है कंपनी, साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट भी बनाती है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है। तो आईटीसी का क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ से आपको इसमें मूवमेंट अब देखने मिल सकता है, तो इन सब बातों को आपने सीख लिया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो 260 जो कि इंपॉर्टेंट इसका रेसिस्टेंस है उसका हमें वेट होगा, अगर 260 ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से आपको 4,000 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। तो ये है आईटीसी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, इसके बहुत सारे शेयर होल्डर काफ़ी दिन से इसमें मूवमेंटम आने का मतलब तेजी आने का आशा लगाए हुए हैं कि कब आईटीसी में तेजी आएगा और कब हमें यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कौन सा लेवल है आईटीसी का जिसके बाद इसमें गजब की तेजी आपको देखने मिलेगा, जहां से आप एक अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हैं।
तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।